अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो, मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। दृष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है, दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को थक चुकी है, अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी। अठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। सुंदरी, तू जितनी सुंदर है उतनी हठीली भी। तूने महाबली महिषासुर के साथ शत्रुता करके भूल की है। उन्होंने नारी समझकर तुझ पर अब तक प्रणाम तक प्रहार नहीं किया, किंतु मैं महाबली का दूत चिकसुर तुझ पर दया नहीं करूंगा। ले भुगत अपनी दुष्टता का परिणाम। तूने चिकसुर का अंत कर दिया, किंतु अब असिलोम तेरा अंत कर देगा। Ah!
छोड़ेगा। यदि अब भी प्राणों का मोह है तो अपने साथियों के साथ पाताल लोक चला जा। कदापि नहीं। Thank you.
असुर मर्दिनी मां काली की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। महिषासुर मर्दिनी मां काली की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। Amen.
को रेर सुलाने आए, समय को अपने समय चक्र का तुमसे होता ज्ञान, प्रेम भाव से मिल के तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय महिषासुर मर्दिनी, जय मां पांगे चिंतारणी, जय जय महिषासुर मर्दिनी, जय मां पांगे चिंतारणी। धरती अंबर ताल समंदर वृक्ष लता पाषाण, प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, जय मां पांगे चिंतारणी, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, जय मां पांगे चिंतारणी, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, जय मां पांगे चिंतारणी, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, जय मां पांगे चिंतारणी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये मारा, ये गई तुम्हारी गोटी। सोच के रही हो देवी, तुम भी कौड़ी फेंको। आप समझते हैं कि भाग्य केवल आप ही का साथ देगा? अवश्य, जब तक सौभाग्यशालिनी देवी पार्वती हमारे साथ रहेंगी तब तक भाग्य तो हमारा ही साथ देगा। आज मैं आपके साथ नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ और आपका भाग्य। हम समझ गए देवी, आज खेल खेल में ही तुम हमारी विरोधी बन बैठी, किंतु हमने भी निश्चय कर लिया है कि आज तो तुमको हरा कर ही रहेंगे। कौड़ी बहन, आपकी पहली गोटी गई। देखा स्वामी, अब मैं जीत गई, अब मैं जीतती चली जाऊंगी। बारह 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 बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, दूसरी भी गई। अरे स्वामी, हार का संकेत पाते ही आप रूठ गए, ये तो कोई खेल ना हुआ। तुम ही कौड़ी फेंक कर जीतती जा रही, एक बार कौड़ी फेंक कर मुझे देना चाहिए। जो जीतता है कौड़ी वही फेंकता है, जब आप जीते थे तो कौड़ी मुझे क्यों दी थी, स्वयं क्यों नहीं फेंकी? ये हमारी उदारता थी जो हमने तुम्हें अवसर दिया, किंतु तुमने हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठाया। खेल में उदारता महंगी पड़ती है। बारह 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 बारा। लो स्वामी, आपकी तीसरी गोटी भी गई, मैं जीती और आप हारे। तीन बार मैं आपको हरा चुकी हूँ स्वामी, यदि अब आगे भी आपको खेलना हो तो मैं तैयार। देवी, तुमने हमारे साथ छल किया, छल करके ही तुम हमसे जीती, अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। मैं तो खेल भावना से ही खेलती रही हूँ, किंतु खेल में इस प्रकार रोष करना आपको शोभा नहीं देता स्वामी। तनिक सी जीत से तुम गर्व से भूल गई, गर्व में उन्मत्त होकर तुम ये भी भूल गई हो कि पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा मैंने क्या कह दिया है स्वामी? तो अब तुम्हें ये भी ज्ञात नहीं रहा कि तुमने क्या कहा है? भूल करने वाले को इस सत्य का ज्ञान यदि हो कि वो जो कर रहा है वो भूल है, वो कदापि ऐसा करे ही नहीं, किंतु अज्ञान और अहंकार के भाव प्रबल होने पर किसी भी प्राणी को यह भान नहीं होता कि वो भूल कर रहा है। कहे तो स्वामी, इस समय मुझसे क्या भूल हुई है? क्या खेल में आपसे जीत जाना मेरी भूल है? अपनी जीत की चर्चा करना क्या मेरी भूल है? इस समय हम तुमसे इस विषय में चर्चा करना उचित नहीं समझते,
आप व्यर्थ ही व्यग्र हो रहे हैं स्वामी। अच्छा तो अब हम व्यर्थ भी कुछ कार्य करते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है स्वामी। हम तुम्हारा अभिप्राय बहुत समय से समझ रहे हैं। तुम हमें बहलाने का प्रयत्न न करो। पति का मन बहलाने का अधिकार तो पत्नी का ही होता है स्वामी। और जगत जानता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बस बस, इस समय ना तो हमें तुम्हारी मीठी मधुर बातें सुननी है और ना ही तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। तुम सहज जा सकती। हम पहले भी तुम्हारे बिना अकेले रह चुके। तुम भली भांति जानती हो कि चुनौतीपूर्ण शब्द सुनना हमारे स्वभाव में नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ इतने समय तक रहकर हम अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। अच्छा ही हुआ, तुम्हारे जाने के पश्चात हम फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वामी, शिवगणों का भी विचार नहीं आया तुम्हें? तुम्हारे न होने पर उनकी क्या स्थिति होगी? अब कैलाश से चलकर आई हूँ तो लौटकर कैसे जा सकती हूँ? नंदी और शिवगण की चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है? उनकी चिंता करने वाले शिव शंकर तो कैलाश पर बैठे ही हैं ना? किंतु प्रश्न ये है कि तुम जाओगी कहाँ और कहाँ पिता हिमालय राज की शरण में? नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाऊंगी। वहां जाने से उनकी चिंता बढ़ जाएगी और वे स्वामी के पास लौट जाने के लिए कहेंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाओगी? किसी अज्ञात स्थान पर जहां कोई मेरे विषय में जान भी ना सके। किंतु शिव तो अंतर्यामी है, तुम उनसे कैसे छिपी रह सकती हो? वे जान ही जाएंगे कि तुम कहाँ हो। जानते हैं तो जान ले। मेरा भी दृढ़ निश्चय है कि मैं इस बार सरलता से कैलाश नहीं लौटूंगी। वे मना मना कर थक जाएंगे फिर भी नहीं लौटूंगी। मैं कैलाश नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। आवत हो? हमारा नाम पर्वतिया है। यहाँ से तनिक दूर ढिम्बा गांव में हम रहते हैं। भरतवासी तनिक कहा सुनी हुई गई तो हम रूठकर यहाँ चले आए। का हम का आपन संग रखो? हाँ हाँ, काहे नहीं। तुम जैसी सुंदर नर को कौन ना बोले गरी। तुम्हार भरतार आवे तो भी लौट कर न जाई का, हम तो का छुपा ले। पर्वतिया झूला झूलबो? नहीं नहीं नहीं, अरे चल आ बैठ चल। अरे तू भी हमार संग बैठ। ना ना, हमका डर लागत। अरे डर तो हमका भी लागत है, आ बैठ। आ, 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 आ,
तन में चतुर है तो व्यवहार में अधिक ही चतुर रही होगी। क्यों रे पर्वतिया, काहे कि हम अपने गांव हिमा में सदा खेलत रहे ना। कौन के संग खेलत रहे? अपने मनवितवा के संग। कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ, फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ, फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। नंदी भैया, भगवान भोलेनाथ व्यग्र हैं। व्यग्र तो हम भी हैं। माता पार्वती कुछ बताए बिना ना जाने कहाँ चली गई। भोलेनाथ को तो पता होगा। अवश्य ही होगा, किंतु वो स्वयं कितने व्यग्र हैं? इसका कारण तो केवल तुम ही पूछ सकते हो। जाओ ना नंदी भैया। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। खोले भोलेनाथ, और ये बताएं कि आप इतने व्यग्र क्यों हैं? माता पार्वती कहाँ हैं? Oh,